आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद नगर मोहल्ले में दो दिन पूर्व घर में घुसकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों द्वारा पूरे परिवार के साथ की गई मारपीट की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने के बाद आक्रोशित मोहल्ले वाले अब लामबंद हो गए हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपने के बाद मोहल्ले वालों का कहना है कि अगर पुलिस इस पर जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं करती तो अब हम मोहल्ले वाले एकत्रित होकर खुद ही एक्शन लेंगे। मोहल्ले वालों का सीधा आरोप है कि आनंद नगर में शाम होते ही असामाजिक तत्व एकत्रित हो जाते हैं, जिससे बहन बेटियां सहित उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। भाई साहब, यहाँ पूरा आतंक छाया हुआ है। यहाँ रात में माने 7 बजे से निकलना मुश्किल है। ये वार्ड नंबर 8 है, आनंद नगर मोहल्ले का नाम है। यहाँ निकलना लोगों का मुश्किल है। यहाँ पूरे रोड में आपको 7 बजे आप आइए तो दिख जाएंगे किस तरह की माने घर से माने बच्चियों का निकलना मुश्किल है। और ये अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं किया तो मजबूर होकर यहाँ की पब्लिक फिर दूसरे तरीके से अपना वो करेगी। ये पुलिस की व्यवस्था है कि माने यहाँ गश्त करे और यहाँ चौकी की स्थापना करे। घटना है यहाँ पे क्या हुई? घटना यहाँ किसी के घर में, इनके शुक्ला जी के घर में घुस के 20-25 लोगों ने अटैक किया, उनको मारा पीटा, उनकी फैमिली को मारा पीटा, उनका सर फट गया और बेचारे एडमिट हैं। मैं आपको बता दें कि 2 दिसंबर की रात आनंद नगर निवासी पद्मभूषण शुक्ला और उनके भाई पद्म प्रकाश शुक्ला के घर में आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद असामाजिक तत्व घुस गए और पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान दोनों भाइयों सहित महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया था। वहीं पीड़ित द्वारा चिन्हित आरोपियों के बारे में बताया गया था, उसके बावजूद भी पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। घटना से आक्रोशित मोहल्ले वाले पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लामबंद हो गए हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपा था। आनंद नगर निवासियों का सीधा आरोप पुलिस पर है। वहीं पीड़ितों ने बताया कि मोहल्ले में 3-4 दुकानें खुल गई हैं, इसमें नशे का कारोबार होता है, जिसके चलते यह असामाजिक तत्व शाम होते ही एकत्रित हो जाते हैं और महिलाओं सहित पुरुषों का निकलना मुश्किल हो गया है। इसका विरोध पीड़ित द्वारा किया गया था, इसके चलते उनके घर में घुसकर आरोपियों द्वारा मारपीट और लूट का प्रयास किया गया। बताया गया है कि विश्वविद्यालय पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद द्विवेदी है। ये मोहल्ला आनंद नगर बोधाबाग वार्ड नंबर 8 है। यहाँ दिनांक 2/12/21 को करीब 7-8 बजे के मध्य ये वारदात हुई। हम लोगों को जानकारी मोहल्ले वाले, क्योंकि हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो जानकारी हम लोगों को रात में करीब 12 बजे के आसपास हुई। जबकि यहाँ पर आए तो मतलब ये हॉस्पिटल जा चुके थे। ये तो मैं देखा नहीं कि जिस समय वारदात हुई, क्योंकि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था। आज आप लोग एकत्रित इसलिए हैं कि यहाँ पर 2-3 दुकानें खोल रखे हैं लोग, खुलेआम गांजा शराब तस्करी ये सब करते हैं, जिसके बदौलत मतलब जो नई पीढ़ी है वो सिर्फ शिक्षा पाती है, उनको सहज भाव से ये सामान मिल जाता है। और ये असामाजिक तत्व जो है तो मतलब इनका मतलब इतना दूर तक मतलब माहौल का बना हुआ है कि शाम ढलते ही बहन बेटियों का निकलना ही तो नहीं, मतलब सामान व्यक्ति भी निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या घटना हुई है उसके बारे में? बीते दिन आपके ये इनके ऊपर मतलब घर में घुसे, उसका जब विरोध करने लगे, क्योंकि उनके घर के सामने ही लोग मतलब बैठ करके शराब दारू आज पीते हैं, जब इन्होंने मना किया एक-दो बार और मना कर चुके हैं। ये पद्मभूषण शुक्ला और पद्म प्रकाश शुक्ला जी के यहाँ जो कि बिल्कुल है जहाँ पर घटना हुई है, जहाँ पर लोग पी रहे थे, आमने सामने की बात है। डकैती डालने की इनके यहाँ जो 3 लोग घायल हुए हैं, इनकी गुड्डू की मतलब पत्नी है और ये दोनों भाई हैं, पद्म प्रकाश शुक्ला और पद्मभूषण जी।